नमस्कार, मेंट्री न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी ठाकुर। मैनपुरी स्वास्थ्य विभाग ने टीबी रोग नियंत्रण के लिए अभियान शुरू किया है, जिसके चलते टीबी मरीजों को ढूंढकर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ मरीजों को प्रति माह पोषण के लिए 500 रुपए भी दिए जाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। मैनपुरी स्वास्थ्य विभाग ने टीबी रोग नियंत्रण के लिए अभियान शुरू किया है, जिसके चलते टीबी मरीजों को ढूंढकर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मरीजों को प्रतिमाह पोषण के लिए 500 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स मरीज देखेंगे उनको भी 500 रुपया दिया जाएगा और मरीज के सही होने पर पुनः डॉक्टर को 500 रुपये दिया जाएगा। वहीं जिला अस्पताल में बने टीबी वार्ड में भी मरीजों को बेहतर उपचार दिया जा रहा है। जिला अस्पताल में जिन वार्ड में टीबी मरीजों का इलाज हुआ है, वहां की व्यवस्था को देखते हुए उनके परिजनों ने भी धन्यवाद देते हुए नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। इलाज कैसा चल रहा है हॉस्पिटल में? डॉक्टर देखने आते हैं? है। अच्छा, क्या दवाई वाई फ्री में मिल रही है? है, खाने के लिए पीने के लिए क्या मिलता है? दूध। दूध मिलता है? अच्छा, डॉक्टर भी देखने आ रहे हैं? डॉक्टर सवेरे आए थे। क्या बता रहे हैं डॉक्टर? कुछ नहीं, दवा लिख दी थी, दे दी थी दवा, 9 बजे लगाई थी, गई थी। अच्छा, आराम हो रहा है? धीरे हो रहा है लेकिन आराम हो रहा है। शिशुपाल, तुम्हारी पत्नी यहाँ एडमिट हैं, किस तरीके से इलाज उनका चल रहा है? 6 महीने से इलाज चल रहा है, रिपोर्ट से भी फायदा है और उसके बाद अभी थोड़ा भर्ती थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो फिर भर्ती किया गया, अभी भी उसमें भी फायदा ही है। अच्छा, डॉक्टर किस तरीके से देखते हैं उन लोगों? डॉक्टर सुबह के टाइम देखते हैं तो अभी ही आया है, डॉक्टर सही देखते हैं, मैं खान पीन करता रहा तो बराबर देखते हैं। अच्छा, इलाज अच्छा चल रहा है, दवाई ववाई किस तरीके से मिलती है आप लोगों को? दवाई तो टाइम से ही मिलता है, फ्री मिल रही है दवाई, फ्री दवाई फ्री। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की सही है, अभी दूध वूध मिलता है 1 लीटर, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। एडमिट हैं वो? एडमिट है। व्यवस्थाएँ आपकी तरफ से? हमारे जनपद में 1800 सेंटर्स पे दो हफ्ते से ज़्यादा जितने खांसी के मरीज होते हैं इनके बलगम परीक्षण का व्यवस्था है। बलगम परीक्षण के उपरांत इनको हम ट्रीटमेंट पे लाते हैं, जो टीबी के रोगी हमारे निकलते हैं। MDR मरीज की हम CV NET जाँच कराते हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही व्यवस्था है, ये लैब है हमारी यहाँ पे। तीसरा ये है कि जो हमारे मरीज टीबी होते हैं उनको 500 रुपये पर मंथ पोषण निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत हम लोग 500 रुपये पर मंथ उनको देते हैं। और जो प्राइवेट डॉक्टर्स जो भी मरीज भेजते हैं उनकी भी व्यवस्था है, 500 रुपये शुरुआती और 500 रुपये मरीज ठीक होने के उपरांत उनको हम देते हैं। बलगम परीक्षण पहले यहाँ जनपद में नहीं होता था, ये सुविधा नई शुरू की गई है क्या? नहीं, ये काफ़ी दिनों से है यहाँ पे, करीब 15 साल से हो जा रहा। पहले क्या था कि 1 मिनट में एक रोगी मरता था टीबी से, अब मृत्यु का जो आंकड़े हैं 1.5 मिनट में एक रोगी का आ गया, 3 मिनट में 2 रोगी इसमें मरने के आंकड़े हैं, तो ये सब कमी काफ़ी आई है इसमें। और भी जो रिसेंट आंकड़े आएंगे तो वो इससे भी अच्छे होंगे, मृत्यु पहले से कम मृत्यु हो रही, काफ़ी टीबी से मृत्यु बहुत कम हो रही है।